नमस्कार दोस्तों, नौकरी करें यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा में नई वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो जो वैकेंसी है मैं उसके बारे में ऊपर ऊपर से आपको बता दूं, जो वैकेंसी है वो 10th पास के लिए है। तो जो कैंडिडेट 10th पास तक हैं वो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देख लें। तो पहले ग्रुप डी थी, अब ग्रुप डी के बाद ये भर्ती निकली है और इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो आज ही आप अपना फॉर्म भर दें, आज नहीं तो कल जरूर से ज़रूर भर दें। मैं सारा आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ इस वैकेंसी के बारे में कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होने चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप किस लिए अप्लाई कर सकते हैं, अभी पूरा डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा आपको पता है अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसा आप सभी को पता होगा इसके बारे में। तो जो भी कैंडिडेट्स किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं तो अन अकेडमी आप डाउनलोड कर लें और आप वहाँ दीपक कुमार के नाम से हमें सर्च कर सकते हैं, वहाँ हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें तैयारी करनी है, कोई क्लासेस वगैरह डालिए, तो वहाँ पे आपको हमारी क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और एक चीज़ और, इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो वहाँ जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ हमारे अलावा और भी काफ़ी एजुकेटर होंगे जहाँ आप क्लासेस अपनी ले सकते हैं। तो अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएँ, ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, अभी चलते हैं सीधा उसी नोटिफिकेशन पर। हालांकि मैं उस नोटिफिकेशन का आपको लिंक भी दे दूंगा तो आप खुद डाउनलोड करके भी उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसका फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, ये उसका नोटिफिकेशन है, तो ये 30 पेज का, तो मैं आपको जो मेन मेन चीज़ें हैं वो बताऊँगा। एज आपकी क्या है, आपकी 18 से 40 होनी चाहिए एज ऑन 3/12/2018। तो आपकी जो एज 18 से 40 होनी चाहिए और वो काउंट होगी 3 दिसंबर 2018 से। ठीक है, तो वो रिलैक्सेशन एज पर रूल मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, आप 10th पास होने चाहिए और उसके साथ साथ आपको जो कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपके पास क्या है, एक डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 60 दिन का, 60 दिन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, और एक चीज़ और बताई गई है कि ऐसा कुछ नहीं कि इन्होंने ज़्यादा पढ़ रखा हो तो उसके एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, कि 10th बेस पे है तो वहीं से इसका सिलेक्शन देखा जाएगा। बाकी मेन मेन पॉइंट्स पे मैं आता हूँ, ये देखिए इसमें बताया गया है कैटेगरी मिनिमम TRC है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपकी जो पेमेंट वगैरह के बारे में बताया गया है। तो ये देखिए, दो स्लैब में बांटा गया है, एक में है 12,000 से 29,380, दूसरा है 14,500 से 35,480, दूसरा है डाक सेवक, इसमें क्या है 10,000 से 24,470, और इसमें है 12,000 से 29,380। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, तो इसमें जो आपने 10th पास कर रखी है उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, 10th में जितने आपके नंबर हैं उसके हिसाब से। अब बात करेंगे कि जैसे अगर कैंडिडेट के सेम नंबर आ गए, दो कैंडिडेट्स के, अगर दो कैंडिडेट्स के सेम नंबर होते हैं तो फिर उस हिसाब से लिया जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक है, जिसकी ज़्यादा एज होगी उसे लिया जाएगा। उसके बाद फिर ST फीमेल को प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर SC फीमेल, OBC फीमेल, UR फीमेल और ST फीमेल, SC सॉरी ST मेल, SC मेल, OBC मेल, फिर UR मेल, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यही है, तो इसमें मैं आपको और बता दूं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो ये ऑनलाइन इस पर आपको जाना है, उसके थ्रू आपको ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, पहले रजिस्टर करना है, अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं वो फॉर्म आपका ऑनलाइन ही भरा जाएगा। इस पर आपको रजिस्टर करना है, दिए गए हैं indianpost.government.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। डिटेल्स हैं ये नीचे दी गई हैं, कैसे कैसे आपको डिटेल्स अपनी डालनी है। फीस पेमेंट कैसे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कैटेगरी OBC के हैं जो मेल कैंडिडेट, उन्हें 100 रुपये पे करने हैं। ठीक है, ऑनलाइन यही, और जो पेमेंट ऑफ फी, जैसे सारी जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST के हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट हैं फीमेल, उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, वो डायरेक्ट जाके ऑनलाइन उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो इसमें क्या है, तो ऑनलाइन ही आपकी होगी इसमें फ़ीस, लेकिन आपको करना क्या है, कहाँ से आपको करनी है, कोई भी आपका जैसे ऑफिस हो, पोस्ट ऑफिस आपके सर्कल में जो पड़ता हो, वहाँ से जाके आपको ये फ़ीस पे करनी है। और आप यहाँ अच्छे से पढ़ लीजिए, मैंने इसमें आपको जो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए बताया गया है डॉक्यूमेंट की अपलोडिंग फॉर्मेट में क्या क्या साइज़ होना चाहिए, तो ये साइज़ बताया गया है इसमें। ठीक है, तो ये आप चेक कर लें। और अब बात करूँ मैं, देखिए नीचे चलते हैं कि इनको भरने की डेट क्या है, तो इनको भरने की, ये देखिए ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं 3 दिसंबर से और इनकी डेट है 2/1/2019, मतलब 2 जनवरी तक आप इनको भर सकते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, आप इन्हें भर दीजिए। अब बात करता हूँ वैकेंसी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, तो वैकेंसीज़ के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, OBC की 380,
और फिजिकली हैंडीकैप्ड, हियरिंग हैंडीकैप्ड की 5, और ये 18 वैकेंसी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, हियरिंग हैंडीकैप्ड, विजुअल हैंडीकैप्ड, अदर हैंडीकैप्ड, एससी की 124, यूआर की 401, टोटल 682। तो यार अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से टोटल 682 वैकेंसी, तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। 682 वैकेंसी हैं, फ़ीस कैसे जमा करनी है आपको बता दिया है, कितनी कितनी फ़ीस है वो बता दिया है, कितनी पोस्टें हैं किसके हिसाब से, और बाकी पे स्ट्रक्चर की आपकी पेमेंट कितनी रहेगी, कब से कब तक आपको फॉर्म जमा करना है, ऑनलाइन आपको फॉर्म जमा करना है, 10th पास आप होने चाहिए, प्लस आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। एक बात और जो मैंने आपको बता दी है कि ये एज जो आपकी 18 से 40 होगी, तो जो भी कैंडिडेट्स इलिजिबल हैं वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर दें। और बात रही इस नोटिफिकेशन की, तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके खुद भी चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और ये आपको अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आप इसे टेलीग्राम का एक ग्रुप मिलेगा नीचे, उसमें जाकर मैं ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। और आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई पर्सनल मैसेज करना है, तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसमें जाके आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, और कोई भी पर्सनल मैसेज अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके लिए, इस वीडियो के लिए हम जो सोनू है, सोनू भाई, उनको थैंक्स बोलना चाहेंगे, जो कि झज्जर से उन्होंने ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।